मॉर्निंग, आज हम जा रहे हैं एग्रीकल्चर कॉलेज और वहाँ आपको दिखाएंगे कि वहाँ कौन कौन सा ट्रेड है, क्या क्या होता है और वहाँ की जगहों की पूरी जानकारी देंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं एग्रीकल्चर कॉलेज। तो आज आ चुके हैं भागलपुर के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेन डोर, यहाँ से हम लोग एंटर करते हैं अंदर। हम सौ कुमार आज आए हुए हैं, आप देख सकते हैं बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर भागलपुर में। आज हम लोग आपको बताएंगे कि ये यूनिवर्सिटी कैसा है, इसके भीतर क्या है, किस तरह की सुविधा उपलब्ध है। आइए चलते हैं तो अंदर और देखते हैं भीतर का माहौल कैसा है, भीतर कैसे। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हैं सौरभ कुमार और मेरा नाम है अंशु आनंद, जो आप जानते ही होंगे। हमारे साथ ये राहुल कुमार, पहले आप देखे हुए कुछ वीडियो में, उस वीडियो में राहुल कुमार थे, लेकिन आज हमारे साथ सौरभ कुमार है, क्योंकि वो राहुल कुमार को अपने घर में या पारिवारिक में कोई फंक्शन था, वो फंक्शन अटेंड करने वो गए हैं। तो आज हमारे साथ सौरभ कुमार है। तो सौरभ कुमार भी बहुत अच्छे ब्लॉगर हैं, ये बताएंगे कि कैसे कैसे कॉलेज की शुरुआत हुई, ये बताइए। हाँ, तो आप जैसा देख रहे हैं, ये पहले एक कमिश्नरी थी अंग्रेज़ों के ज़माने में, जब 1947 ईस्वी में भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद इसे भारत सरकार और बिहार सरकार ने मिलकर एक कृषि यूनिवर्सिटी मतलब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बदलने का निर्णय लिया। उसके बाद से 1956 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई और 2010 में इसे बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। तो चलिए आपको चारों तरफ से दिखाते हैं ये कॉलेज कैसा है, देखने में बहुत विशाल लग रहा है। और यहाँ पर यहाँ पर पेड़ पौधे कितने अच्छे अच्छे हैं, ये सब देखिए, ये सब कितना स्टूडेंट के द्वारा एक्सपेरिमेंट किया हुआ पौधा है, देखिए बहुत सारे पौधे हैं, आपको दिखाते हैं। कॉलेज के राइट लेफ्ट साइड आ चुके हैं, जैसे बिल्डिंग देख सकते हैं आप, और भी आगे चलते हैं। इसके बाद अगर इधर रास्ता होगा तो इधर आपको पीछे जाके भी दिखाएंगे, नहीं तो इतना कवर करते हैं, इसके बाद आपको दिखाते हैं। आप इतने सारे अलग अलग वैरायटी के अलग अलग ब्लॉक्स बने हुए हैं, हर एक में अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं। वहाँ पर स्टूडेंट लोग की एजुकेशन की व्यवस्था है, बिल्डिंग वगैरह बन रही है और अभी यहाँ पे विकास का कार्य एक तरह से चल ही रहा है। नए नए तरह के अभी फंड रिलीज हुए हैं जिसके तहत यहाँ पे नए नए बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं और यहाँ पे एजुकेशन व्यवस्था और अधिक उन्नत करने की व्यवस्था की जा रही है। भविष्य में आपको यहाँ पे और अच्छी पढ़ाई लिखाई मिल सकती है, अभी यह प्रोग्रेस में है, देखते हैं आगे आगे और क्या क्या है, क्या क्या व्यवस्था यहाँ। तो तब हम आपको कृषि विश्वविद्यालय के डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट को दिखाने ले जाते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं ट्रेनिंग सेंटर में। वो हमारा फूड डेवलपमेंट सेंटर, जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे उन्नत तरह की फसल का उत्पादन किया जाए और मेनली यहाँ मशरूम के उत्पादन की पढ़ाई व्यवस्था की जाती है। तो ये हुआ हमारा फूड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। चलिए अब अगले नेक्स्ट डिपार्टमेंट की ओर चलते हैं। ये भी फूड डेवलपमेंट सेंटर का ही एक पार्ट है, लेकिन यहाँ पे फूड टेस्टिंग और उसका सर्टिफिकेशन किया जाता है, मतलब उसे वेरीफाइड किया जाता है कि वो सही तरह से डेवलप हुआ है कि नहीं। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही अत्याधुनिक मशीनों की व्यवस्था की गई है फूड को चेक करने के लिए, मतलब उसे वेरीफाइड करने के लिए, उसे सर्टिफाइड करने के लिए कि ये मार्केट में जाने के लिए तैयार है कि नहीं। और ये सारा कार्यालय है, ये मोहम्मद एस अहमद असिस्टेंट प्रोफेसर है, साइंटिस्ट है। यहाँ पे कार्यालय है जैसा कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पर डॉक्टर एम आफ्ताब जो वरीय वैज्ञानिक से संबंधित अध्यापक है, देख सकते हैं वाईफाई से लैस है या विश्वविद्यालय या जो डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी पूरा वाईफाई से लैस है, जनरेटर वगैरह की भी व्यवस्था उपलब्ध है, मतलब एक तरह से यह अच्छे। तो दोस्तों यह एक्सपेरिमेंटल लर्निंग स्कीम डिपार्टमेंट है, मतलब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं सब्जियों पे, अलग अलग तरह के फसलों पर, कि उसमें किस तरह से बदलाव लाया जाए, उन्नत बदलाव लाया जाए। यहाँ पे एक तरह से ये कहिए लेबोरेटरी है जहाँ पे अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट फसलों पे किए जाते हैं। तो दोस्तों यह पौधा रोग विज्ञान है, यहाँ पे रिसर्च की जाती है कि
फसलों को कैसे कीड़ों से बचाया जा सके। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में बहुत ही फसलों को क्षति पहुंचाने का एक बहुत ही बड़ा कारण उसमें लग जाने वाले कीड़े हैं। आम के सीजनों में खासकर मंजर में पौधे लग जाते हैं जिससे आम के फसल को बहुत क्षति होती है और बहुत सारे पौधों में बहुत सारे कीड़े वगैरह लग जाते हैं, टिड्डे वगैरह बहुत सारे वैसे कारक है तो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसी चीज़ का यहाँ पे रिसर्च किया जाता है कि आखिर फसलों को कीड़ों से कैसे बचाया जाए और उन्हें बचाने के लिए नई नई तकनीक तैयार की जाती है, तकनीक नहीं एक तरह से दवाइयाँ तैयार की जाती है, फसलों में वैसा उन्नत बदलाव लाया जाता है जिससे वो उनसे बच सके। हम लोग पूरी तरह से बैक में आ चुके हैं कॉलेज की, थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है इसलिए देख सकते हैं थोड़ी व्यवस्था छत विछत है, लेकिन उम्मीद करते हैं जब ये कंस्ट्रक्शन वर्क फाइनल हो जाएगा तो यहाँ एक बहुत ही सुंदर कैंपस बन के यह उभरेगा। यहाँ उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। जैसा कि जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि व्यवस्था में यहाँ पे शोध कार्य होना बहुत जरूरी है, उसी तरह की व्यवस्था यहाँ उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है कि हर एक तरह की नई तकनीक उपलब्ध की जाए और यहाँ पे अच्छे तरीके से शोध कार्य हो सके। और यहाँ पर सिर्फ इसका फायदा यहाँ के विद्यार्थियों को ही नहीं, यहाँ के किसानों को भी इस चीजों की फायदा मिलेगी। अभी हम लोग एक और नए डिपार्टमेंट पे आ चुके हैं और यहाँ पर एनसीसी की भी सुविधा है, जैसा देख यहाँ पर एनसीसी है और ये हम लोग बढ़ रहे हैं दूसरे डिपार्टमेंट की ओर। ये पता नहीं कौन सा डिपार्टमेंट है, देखते हैं पढ़ लेते हैं, इसके बाद आपको भी दिखाते हैं कौन सा डिपार्टमेंट है। ये सस्य विज्ञान विभाग, ये है सस्य विज्ञान विभाग। इसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं कि ये सस्य विज्ञान विभाग क्या है, बट आप देख लीजिए ये पौधे रोग विभाग के बगल में ये है सिक प्लांट। यहाँ पर पेड़ पौधे में शायद यहाँ बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती है, उन्हीं को चेक करने के लिए कुछ पेड़ पौधे लगाए गए हैं। ये देखिए किन पेड़ पौधों से पता लगाया जाए, जैसे कि यहाँ बहुत सारे बनाना के पेड़ हैं, जैसे कि देख सकते हैं इन पेड़ों में कोई ना कोई बीमारी होगी तो इन बीमारियों का यहाँ पर पता लगाया जाता है और बताया जाता है कि इनसे कैसे बच सके और यहाँ के किसानों को किस प्रकार लाभ मिल सकता है। यहाँ पे लोग आते हैं पौधों की जांच कराने के लिए, यदि उनके पौधे में किसी तरह की बीमारी लग गई है या फसलों में तो वे यहाँ पे आते हैं और उनका सॉल्यूशन बताया जाता है कि और यहाँ पर नंबर भी दिया है, हेल्पलाइन नंबर मैं आपको क्लोज दिखाता हूँ, ये हेल्पलाइन नंबर। यदि आपको किसी तरह की फसलों में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, यदि पॉसिबल होगा तो आपको, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पर कॉल करें, सॉल्यूशन जितना हो सके यहाँ के अधिकारी लोग करेंगे। ये देखिए किसान, ये है हमारे पास किसान हेल्पलाइन, आप टोल फ्री नंबर भी है और लैंडलाइन भी है और यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो ये हमारे पास आ गया है उद्यान विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट एंड हॉर्टिकल्चर। और यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर हम पहुँच गए हैं डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। यहाँ पर देखिए बहुत सारे केले के पेड़ लगे हुए हैं और फूल गोभी के भी पेड़ लगे हुए हैं। ये लग रहा है हम लोग जंगल से गुजर रहे हैं, बहुत ही घातक जंगल है, इसमें कुछ भी हो सकता है, सांप उप और यहाँ एनाकोंडा भी एक बार यहाँ पे निकला था, एनाकोंडा भी निकल सकता है और निकल गया है। हमारे दोस्त को ही पकड़ लिया था, उसको हम थे जो बचा लिए थे। और यहाँ पर ये देख सकते हैं फूल गोभी के पेड़ आप देख सकते हैं, पेड़ नहीं फूल गोभी के पौधे देख सकते हैं। पौधा नहीं लग रहा होगा लेकिन ये फूल गोभी का पौधा है, एज एक्सपेरिमेंट उपजाया गया है, इससे मेनली बीज तैयार करने के लिए उपजाया गया है और वहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे केले के पौधे लगे हुए हैं जिसमें से एक दो में फले हुए भी है।
हाँ, तो पेड़ छोटा है लेकिन इतना बड़ा खानी हो गया है कि समझ में नहीं आ रहा है कैसे हो गया। लेकिन ये है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कुछ भी हो सकता है ना। और है भी तो केला का पौधा ना, समझिए भावना को। आज के ग्रीन हाउस के पास हरे रंग की कपड़े जैसी चीजों से ढका हुआ, ये एक तरह से ग्रीन हाउस कक्ष है, मतलब ग्रीन हाउस रूम। यहाँ पे वैसे पौधों को उपजाया जाता है जो हमारे एनवायरनमेंट में उपज नहीं सकती है, और उसे इस तरह का बीज तैयार करने का कोशिश किया जाता है जिससे वो हमारे एनवायरनमेंट में बढ़ सके। हम यहाँ पर हम लोग एक नए डिपार्टमेंट में आ चुके हैं, जैसा कि आप पौधा प्रजनन एवं अनुवांशिक। यह कॉलेज अपने आप में एक इस चीज के लिए भी अनूठा है कि यह पूरी तरह से भारतीय संस्कृति को दर्शाता हुआ एक तरह से कॉलेज है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे बगल में एक मंदिर है और जस्ट बगल में एक मस्जिद भी है और पीछे साइड एक चर्च भी है, जिस जो हमारे अभी कैमरा में आ नहीं पा रहा है, थोड़ी दूरी पर है। तो आप देख सकते हैं एक ही कैंपस में मंदिर, मस्जिद और चर्च, सारी चीजें उपलब्ध है। और यह अपने आप में एक तरह से संदेश दे रही है कि हमारे भारत में कोई भी अलग नहीं है, चाहे वह कहीं भी चला जाए, चाहे वह बिहार के कोई कॉलेज हो, चाहे देश का कोई भी भाग हो, हर एक जगह हम लोग भाईचारे के साथ रहते हैं। हमारे सबके लिए बराबर व्यवस्था है, कोई यहाँ बड़ा कोई यहाँ छोटा नहीं। हम लोग घूमते घूमते थक चुके हैं, अब यहाँ पर बैठे हैं। तो दोस्त रेस्ट कर रहे हैं, हम भी इधर साइड से आपको यहाँ से दिखा देते हैं पूरा नज़ारा। देखिए देखिए यहाँ पर, ये देखिए एक नई बिल्डिंग बन रही है, ये देखिए बहुत दिनों से ये कार्य चल रहा है, करीब 3 से 4 साल हो चुके हैं। और ये रहा मेन गेट जिससे एंटर कर सकते हैं आप। ये देखिए अब हम लोग आ गए हैं, यहाँ पर एक प्लेग्राउंड भी है, देख सकते हैं ये बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है। और यहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे हैं, आप देख भी सकते हैं। और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है जिसके लिए बहुत सारी छर्री, बल्लू और सीमेंट को मिलाया जा रहा है। देखिए ये है प्लांट, और ये पंचमुखी मंदिर जो मैंने पिछले वीडियो में डाला था। ये रहा फील्ड, ये रहा कॉलेज, और ये एक विशाल पेड़ जो बहुत पुराना हो चुका है। हाँ, ये सूख भी चुका है, पुराना ही नहीं सूख भी चुका है। ये रहा पीपल का पेड़, वही भूत या पीपल का पेड़ जो आपने कहानियों में सुनी होगी। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम आपको हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट दिखाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, और हम गुड नाइट, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिएगा, कुछ ना छोड़िएगा, कमेंट भी मार दीजिएगा, एकदम डन। या